कोविड-19 से ठीक होते ही सैलून पहुंची मलाइका अरोरा। क्या मलाइका जल्द करेंगी नोरा फतेही को इंडियाज बेस्ट डांसर में रिप्लेस? जानिए क्यों हुई मलाइका अरोरा ट्रोल्स का शिकार। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। इंडियाज बेस्ट डांसर की जज मलाइका अरोरा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने फैंस को बताया था कि उनको कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। इसी के बाद एक्ट्रेस मलाइका अरोरा ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया था। इस खबर के बाद शो की शूटिंग को भी कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। अब मलाइका अरोरा इसे रिकवर हो चुकी है और ठीक होने के तुरंत बाद सैलून जाती दिखी। ये सैलून मलाइका अरोरा के घर के पास ही है जहां एक्ट्रेस गई हुई थी। बताया जा रहा है कि मलाइका अरोरा हेयर स्पा या हेयर कट के लिए गई थी। वीडियो में भी सैलून एक्सपर्ट मलाइका के बालों को ठीक करते दिख रहे हैं और फिर वो अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। पर जैसे ही मलाइका के ये ग्लिम्सेस आउट हुई तो कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया। तो आइए हम नजर डालते हैं आखिर क्या कहा सोशल मीडिया यूजर्स ने। वही दूसरी ओर ऐसा सुनने में आया है कि अब जल्द ही एक्ट्रेस टीवी शो इंडियाज बेस्ट डांसर में वापसी कर सकती है। फिलहाल मलाइका अरोरा की जगह नोरा फतेही नजर आ रही है। अब रिकवरी के बाद मलाइका अरोरा के फिर से वापस शो में लौटने की उम्मीद है। जल्द ही मलाइका नोरा फतेही को रिप्लेस कर अपनी जगह वापस ले सकती है। तो व्यूवर्स क्या कहना है इस न्यूज पर, पोस्ट करिए अपने कमेंट्स और देखते रहिए टेली मसाला।